हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का 2020, मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा अभी बहुत अच्छा चल रहा है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, देखते हैं आगे कैसा चलता है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पर्पल का। मुझे पर्पल ने भेजे अपने न्यू लॉन्चेस जो कि हैं काफ़ी सारे, तो थैंक यू पर्पल अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारा सामान है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप लोग स्नैक्स वगैरह लेके बैठना चाहते हैं तो लेके बैठ सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरा पर्पल के साथ फर्स्ट हॉल है और पर्पल से मुझे ये सारा सामान 1 वीक बिफोर रिसीव हो गया था। 1 हफ्ता हो गया है मुझे पर्पल का ये सामान आए हुए। तो मैं ना पहले चाहती थी कि मैं पहले 1 हफ्ता इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ इनका रिव्यू अच्छे से शेयर कर पाऊँ। मैंने इनमें से ऑलमोस्ट चीज़ें यूज़ कर ली हैं। मेकअप मैं नहीं कहूँगी मैंने सब कुछ यूज़ करा है, बट हाँ लिपस्टिक आई शेडो आज मैंने जो अप्लाई करा है वो पर्पल का ही है। मैं भी आप लोगों को बताऊँगी कौन सा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसकी यूज़ कर ली हैं ऑलमोस्ट, तो मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। या चलिए वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है गुड वाइब्स का। ये है स्ट्रॉबेरी स्किन सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन। ये स्ट्रॉबेरी है, फ्रेगनेंस है इसमें, और ये है 100 ml। 100 ml इसमें फ्री मिल रहा है और ये है 400 ml। तो 100 फ्री मिल रहा है तो ये आपकी हो गई है 500 ml की बॉटल। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये पंप पंप वाली है तो आपको इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। और गाइस ये ना यूज़ कर रही हूँ मैं रोज़ नहाने के बाद और ये बहुत अच्छी है, काफ़ी फिनिश भी हो गई है। तो ये ना बहुत ही अच्छी है, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी क्रीमी और इसकी स्मेल, यार जब भी मैं इसकी स्मेल करती हूँ ना इसको, तो ये ना कुछ बचपन में कुछ खाने की कोई स्ट्रॉबेरी कोई कैंडी या कुछ होता था उसके जैसी है बिल्कुल। मुझे ना एक्चुअली मैं एग्जैक्ट कोई याद नहीं आ रहा कि किसके जैसी है। तो अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं और अगर करेंगे मेरी रिकमेंड पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। मुझे ना बहुत क्रियोसिटी हो रही है जानने की, मतलब ये किस चीज़ की स्मेल है। तो ये देखिए डिफरेंस, ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इसने मेरे को थोड़ी सी वाइटनिंग भी प्रोवाइड करी है। ये वाला हाथ मेरा थोड़ा सा डार्क है और ये वाला हाथ मेरा थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा है यार। और इसमें ना मेरे को यहाँ पे 2 और रिसीव हुए हैं जिसमें से एक है लिक्विडाइज और नेक्स्ट है ये हमारे पास है लेवेंडर। ये 3 है तो 5 ml, 5 ml और 5 ml ये मेरा हो गया 1500 ml। तो मेरी विंटर्स तो अच्छे से निकल जाएगी, समर भी मेरी इसके साथ बहुत अच्छे से चलने वाली है। ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है गुड वाइब्स का अगेन। तो गुड वाइब्स ने मुझे भेजे हैं यहाँ पे फेशियल किट जिसमें से मेरे पास हैं, इसके भी मेरे पास 3 हैं। तो ये एक है पर्ल और नेक्स्ट है गोल्ड एंड थर्ड है सिल्वर। तो ये 3 है। वैसे मैं फेशियल नहीं करती हूँ बट मैं दीपू को करूँगी तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई थिंक हो सकता है मैं आप लोगों के साथ अलग से एक वीडियो शेयर कर दूँ। तो अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने यूज़ नहीं करा तो मैं कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को ऐसा है। बस हाँ गुड वाइब्स का मैंने सुना है कि बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं तो मैं ये ज़रूर यूज़ करूँगी। या तो अपनी मदर इन लॉ मतलब अपनी मम्मा का फेशियल करूँगी और या तो फिर दीपू का करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है अगेन क्रीम। वो भी हैं गुड वाइब्स की। गुड वाइब्स ने मेरे को फिर से क्रीम भेजी हैं जो कि हैं, एक है कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम जो कि इस तरह से है एंड नेक्स्ट है सेफ्रन नरिशिंग डे क्रीम। इसकी क्वांटिटी है 200 ग्राम और ये मैंने अभी ट्राई नहीं करी है, सच बता रही हूँ आपको। वाओ इसकी स्मेल बहुत अच्छी है सेफ्रन वाले की और कोकोनट की। मुझे ना हो रहा था कि मैं कोकोनट वाला ट्राई करूँ पर मुझे टाइम ही नहीं मिला यार बिल्कुल भी, कि मुझे ना कोकोनट की स्मेल, कोकोनट की चीज़ें बड़ी पसंद है, कोकोनट बिस्किट। वाओ वाओ यार दीपू अब ये वाला यूज़ करना कल, ये बहुत अच्छा है। इसका भी मुझे ना एक्चुअली ना टेक्सचर नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता कि कैसा है इसका, तो मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। यार नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास, पहले ना हम स्किन केयर कर लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेकअप करती हूँ।
तो नेक्स्ट है मेरे पास गुड वाइब्स का अगेन, ये है हमारे पास गुड रोज हिप प्लस कैरेट सीड ब्राइटनिंग प्लस एज डिफाइंड फेशियल ऑयल, ओके वेट 24 कैरेट गोल्ड, ओके तो इसकी क्वांटिटी है 10 ml, ये इस तरह से है। और अभी मैंने ये भी यूज़ नहीं करा, नहीं शायद ये वाला कर लिया, हाँ हाँ ये वाला मैंने आज अपने इस मेकअप लुक से पहले अप्लाई करा और इसकी स्मेल ना बहुत ही अच्छी है। अभी तक मैंने गुड वाइब्स की जो भी स्मेल करी है ना चीज़ों की, बहुत ही अमेजिंग है। पता नहीं स्मेल क्यों करती हूँ प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? करते हैं तो बताइएगा। मैं वैसे ना खाने की चीज़ों को भी खाने से पहले स्मेल करती हूँ। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एवोकाडो प्लस टी ट्री नरिशिंग स्किन प्योरीफाइंग फेशियल ऑयल विद 24 कैरेट गोल्ड, सेम। सो इसकी भी क्वांटिटी 10 ml है और ये वाला मैंने अभी यूज़ नहीं करा। तो गुड वाइब्स की ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब इनकी ना पैकेजिंग बहुत सेपरेट, मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग करते हैं कि रिसीव होते होते हुए आपको प्रोडक्ट कोई भी लीक नहीं हो सकता, कुछ आपका कुछ नहीं हो सकता अभी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ये ड्रॉपर मिलेगा एंड देन आपको ये गोल्डन कलर की कैप मिलेगी। ओहो मैं तो याद ही नहीं, मैंने वो लगा लिया क्या ना मैम, बॉडी लोशन, तो मेरे हाथ थोड़े से स्लिप हो रहे हैं। सो इस तरह से कैप मिलेगी एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये ढक्कन भी मिलेगा प्लास्टिक का, इसको रिमूव करके आपको ये लगाना है एंड ये आपको फेंक देना है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है गुड वाइब्स की। ऐसी लिक्विड वाली चीज़ों के लिए आई थिंक मुझे लगता है इतना करना भी चाहिए बिकॉज लीक ना हो। सो जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट मेरे को ये दो ऑयल मिले। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन गुड वाइब्स का। सो नेक्स्ट है सी वीड हिबिकस एंड हाइड्रेटिंग प्लस एज डिफाइन नाइट जेल, ओके ये नाइट जेल है। तो इसको भी मैंने अभी तक देखा नहीं है कैसा है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, दिखा तो देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा ना खोल कर के क्या है कैसा है। सो इसके अंदर भी एक और ढक्कन है, वाओ स्मेल कितनी अच्छी है यार, मतलब इन सब की प्रोडक्ट्स की स्मेल ना बड़ी रिफ्रेशिंग सी है, लगाने का मन करेगा मतलब। तो नेक्स्ट ये है, ये मैं नाइट में ना आई थिंक हो सकता है दीपू को बोलूँ यूज़ करने के लिए, दीपू की उम्र हो गई है। सो गुड वाइब्स का मेरे पास आई थिंक सब कुछ हो गया है, गुड वाइब्स का मैंने सब आपको दिखा दिया। सो या चलिए बढ़ते हैं पर्पल की तरफ। तो पर्पल का हमें को यहाँ पे रिसीव हुए हैं ये ऑयल, तो पर्पल की ऑयल है मेरे पास। एक मेरे को रिसीव हुआ है स्किन रेडियंस सीरम विद मलबरी एंड टी ट्री ऑयल। नेक्स्ट है मेरे पास पर्पल का ऑयल कंट्रोल सीरम विद टी ट्री एंड पपाया ऑयल। एंड थर्ड है मेरे पास स्किन रेजुविनेटिंग सीरम विद विटामिन सी एंड विटामिन। सो इसकी क्वांटिटी मुझे मिल रही है 20 ml, ओके 20 ml एंड 20 ml तीनों की। तो ये मैंने अभी तक खोल के नहीं देखे हैं कैसे हैं, देख लेते हैं अभी आप लोगों के साथ। वाओ वाओ ये देखिए पर्पल कलर की ग्लास की बॉटल है और इसकी क्वांटिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज इसकी 10 थी और इसकी 20 है, 10 थी ना, या 10 थी और इनकी 20 है। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे, किसी वीडियो में करूँगी यूज़ तो आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि कैसे हैं। तो ये तीन है मेरे पास, इनको भी साइड कर देते हैं। सो नेक्स्ट है मेरे पास पर्पल की लिपस्टिक्स, लिपस्टिक बहुत सारी भेजी हैं पर्पल्स ने। नहीं पहले मैं दिखाती हूँ आपको पर्पल का, ये है हाइलाइटर। सो ये है पर्पल का ड्यूल हाइलाइटर, इसके दोनों साइड है हाइलाइटर, ये देखिए। तो जो मैंने अभी अप्लाई करा हुआ है ना वो यही वाला है, इसके एक साइड इस तरह से गोल्डन है और दूसरे साइड ये पिंक सा है, पिंक टोन, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये देखिए इसकी शाइन, इसका ग्लो, ये देखिए ये ना एक तरह से ना जैसे स्टोव बाम होती है ना, और मुझे ये लगाना बहुत पसंद है। एक मेरे पास है भी पर्पल की जो है, ना 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 वो पर्पल से मैंने लिया है, वो है मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा स्टोव बाम, वो बहुत अच्छी है। उसको मैं क्या करती हूँ, बस स्किन पर लगाती हूँ थोड़ा सा कोई भी सनस्क्रीन एंड उसको अप्लाई कर लेती हूँ एंड आईब्रोज कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरा मेकअप हो जाता है बहुत अच्छा। तो इसमें भी मेरे पास तीन शेड्स आए हैं, तीन है इसकी, इसका इसमें टेम्पिटेटिंग मच 3 एंड नॉटी मच 5 एंड नेक्स्ट है ग्लोइंग मच 1। ये तीन मेरे को रिसीव हुए हैं पर्पल की तरफ से, थैंक यू पर्पल, मुझे बहुत सारे हाइलाइटर्स भेज दिए आपने, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है पर्पल की लिप क्रेयॉन्स। तो मुझे पर्पल के लिप क्रेयॉन्स ऑनेस्टली बहुत पसंद आए बिकॉज मेरे लिप बहुत ड्राई होते हैं और मैंने अभी ना एक लगाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बताती हूँ। तो
इसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसकी ये देखिए, ये है शेड 6, ये देखिए कितना बटरी सॉफ्ट है यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्त। इसके लिप क्रियॉन बहुत अच्छे हैं, अगर आपके लिप मेरे जैसे ड्राई हैं तो आप ये लिप क्रियॉन तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें मेरे पास मुझे रिसीव हुए हैं 6 शेड्स, और न्यूड इसमें थोड़े से कम है, तो मैं थोड़ा सा मुझे हुआ था क्योंकि मैं न्यूड शेड्स ज़्यादा लगाती हूँ। सो इसके शेड्स मेरे को रिसीव हुए हैं 6, 4, 5 एंड आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हुए होंगे, 3 या 1 एंड 4 बचा है, 10, नहीं, आगे पीछे हुए हैं। सो अगर आप लोग इनका अलग से लिप स्वेचेस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के साथ फॉर श्योर शेयर करूँगी कि इनके कैसे करूँ, कौन कौन से कलर्स मुझे रिसीव हुए हैं। सो यार चलिए नेक्स्ट है पर्पल का, मेरे पास यहाँ पे है ये, ओके ये हैं पर्पल के काजल, काजल और आईलाइनर दोनों ही तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को रिसीव हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रिसीव हुए हैं, और इसमें से मैंने अभी एक यूज़ भी करा है अपनी वाटर लाइन पे, जो कि है आई थिंक ब्लू करा है मैंने। और ये ना मैं भी आपको जो खुला हुआ है वो दिखा देती हूँ, बिकॉज मुझे वीडियो ना ज़्यादा लंबा नहीं करना, और मायरा भी उठ गई है, जब भी मैं पता नहीं वीडियो शूट करती हूँ मायरा तभी उठ जाती है, कोई नहीं उसे भी पता है कब मुझे डिस्टर्ब करना है। सो ये मेरे पास ग्रीन कलर, और मैं ना आपको बस दिखा रही हूँ इसका फॉर्मूला कैसा है, ये देखिए यार बहुत अच्छे, मैं आपको दिखा देती हूँ, वाओ कितना स्मूथ चल रहा है यार, ये बहुत अच्छा है। मैं ना पहले सोच रही थी आप लोगों के साथ ना पूरे ये मेकअप लुक करते हुए ही इनको यूज़ करते करते प्रोडक्ट को एक वीडियो भी शेयर कर दूँ मेकअप, बट उसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैं ये मेरे को 5 रिसीव हुए हैं। तो इनकी ना एक चीज़ है, आपको पता है क्या करना है, आपको जब जब इनको अप्लाई करना है ना तो आपको फटाफट से इनको ब्लेंड करना है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कि आप जहाँ पर इसको लगाएंगे ना ये वहीं का वहीं रहने वाला है, ये हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है पर्पल का अगेन, ये है पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक, वाओ कितना प्यारा, मेरा फेवरेट कलर मेरे हाथ में आ गया, ये देखिए अभी मैंने इसकी पैकेजिंग भी नहीं खोली, मैंने आपको बताया था ना, बस मैंने ऊपर से प्लास्टिक रैप निकाल लिया था, मैंने कुछ नहीं करा। सो ये शेड ना खोल लेते हैं, ये शेड मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस तरह के शेड्स बहुत पसंद है, ये देखिए कितना प्यारा शेड है यार, मन करता है रोज हर वक्त हर वीडियो में ऐसे ही शेड्स लगाऊं, मुझे मुझे मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं। और मैं इसके भी आपके साथ लिप स्वेचेस अलग से शेयर करूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो बता दीजिएगा। सो यार चलिए नेक्स्ट पर्पल का अगेन, तो नेक्स्ट मुझे पर्पल ने यहाँ पे भेजी हुई है कि मुझे बहुत पसंद आई, मिनीज अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब ना इनका फॉर्मूला, इनकी पैकेजिंग, और ये कितनी क्यूट है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसमें एक पैकेट जो है ना पैक ऑफ 4 आएंगे, सारी पैक ऑफ 4 है, तो पैक ऑफ 4 क्या मतलब, इसमें एक बॉक्स में आपको मिलेंगी 4 लिपस्टिक्स इस तरह से, ये देखिए एक बॉक्स में आपको 4 लिपस्टिक्स मिल रही हैं, और सारी लिपस्टिक बहुत ही मस्त है, फॉर्मूला कलर ये देखिए छोटू सी है, और ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट नहीं है बट हाँ बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, ये देखिए यहाँ पे पर्पल लिखा है गोल्डन से, कितनी प्यारी पैकेजिंग है, और लिपस्टिक आ गई बाहर, और ये दिखाती हूँ मैं आपको कलर, वाह अगर आप लोगों को ये पिंक कलर ऐसे पसंद है, कभी कभी मैं भी लगाती हूँ सूट्स वगैरह जब पहनती हूँ, ट्रेडिशनल लुक करती हूँ तब ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मुझे तो भाई वही कलर पसंद है अपने ब्राउन न्यूड, ये कलर बहुत प्यारा है, ये देखिए ये वाला कलर है, ये बहुत ही अच्छी क्रीमी है लिपस्टिक्स, नो डाउट अगर आप बुलेट लिपस्टिक खरीदना चाहते हैं बहुत मस्त हैं, कम पैसों में 4 लिपस्टिक मिल रही हैं, कम क्वांटिटी है, जल्दी जल्दी ख़त्म होंगी, एक्सपायर होने का भी कोई टेंशन नहीं, तो आप ये ख़रीद सकते हैं। तो मेरे पास इसकी 4 रिसीव हुई हैं, मुझे 4 बॉक्स, और चारों में एक बॉक्स में 4 हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स यहाँ पे इस बार हो गई हैं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगेन पर्पल की तरफ, तो पर्पल ने मुझे यहाँ अगेन भेजी हैं अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक्स, ओके ये भी मैट लिपस्टिक्स हैं, तो ये देखते हैं,
ओके, इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। इसका फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। कलर कहाँ लगाऊँ, ये देखिए, वाओ बहुत ही क्रीमी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रीमी है, और कलर भी कितना अच्छा है। मतलब अगर आपने सूट वूट पहना है, कोई शादी है, मतलब शादियों में ना ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ आप ये लगा सकते हैं। तो मैं भी आपको सारे कलर्स नहीं दिखाऊंगी, अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके भी लिप स्वचेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो बता दीजिएगा। मतलब मेरे पास अब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ना काफ़ी कुछ है। पहले मुझे सोचना पड़ता था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सो यार नेक्स्ट अगेन है पर्पल का। मेरे को यहाँ पे रिसीव हुए हैं ये दो आईलाइनर। ओके आईलाइनर है, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा इनको देख के कि काजल है। ओके ये आईलाइनर है। सो पर्पल के आईलाइनर रिसीव हुए हैं मुझे, वी जेल ओवर ड्रामा काजल है, आईलाइनर है, जिसमें मेरे को दो कलर रिसीव हुए हैं यहाँ पे, ब्लैक है ब्लू है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये अंदर से कैसे हैं। ओके, ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, इनर पैकेजिंग। और यहाँ पे आपको एक ब्रश मिल रहा है इस तरह से, एंड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। इसको मैंने खोला भी नहीं है यार, खोल लेती तो जल्दी हो जाता ना। आई थिंक इसका किस तरह से है, मैं इसको ज़रूर किसी वीडियो में यूज़ करूँगी तो आपको दूंगी इसका रिव्यू कि कैसा है। अभी मुझे नहीं पता। तो पर्पल ने मुझे ये ब्लैक ब्लू ड्रामा आईलाइनर भेजे हैं, एंड अगेन मुझे स्टे कुकी ने भी ये भेजे हैं। अब स्टे कुकी की बारी आ गई है, तो स्टे कुकी ने भी मुझे इसी तरह के ऐसे ही ये भेजे हैं काजल, जिनकी पैकेजिंग भी ऐसी है, बस पर्पल की जगह यहाँ पे लिखा है स्टे कुकी। सो इसमें भी सेम है, इस तरह से ब्रश बाहर आएगा, एंड आपका यहाँ पे एक पॉट है नीचे ग्लास का, और उसके अंदर आपका ये प्रोडक्ट है इस तरह से। एंड मुझे ना इस तरह के काजल, मैंने भी बताया था आपको वो स्टिक पेंसिल वाले उसमें, कि मेरे को ना इनको लगा कर ना ब्रश से ऐसे स्मच कर दो, और जो स्मच करने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह से करना। और उसके बाद उसके ऊपर ना कोई सा भी ग्लिटर आई शेडो ऐसे पैट कर दो, वाह क्या मस्त लुक बनती है उससे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर इसको यूज़ करके कैसे माई मेकअप लुक करती हूँ। फटाफट हो जाता है बहुत जल्दी। इसका ये होता है कि आपको ना बहुत जल्दी इनको ब्लेंड करना होता है। सो यार मुझे स्टे कुर्की ने भी भेज, स्टे कुर्की के रिसीव हुए हैं ये। नेक्स्ट स्टे कुर्की क्या है, स्टे कुर्की दोनों, इसमें भी दो मेरे को कलर रिसीव हुए हैं, ब्लैक एंड ब्लू। सो नेक्स्ट है NYB का, ये है फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक। ओके सो इसका ना कलर, वैसे मैं बताऊँ तो मैंने भी यही वाला अप्लाई करा हुआ है अभी अपने मेकअप में, और मुझे ना इसका कलर थोड़ा सा ना अपने कलर से ठीक नहीं लगा। मतलब ये थोड़ा पिंक टोन में है और थोड़ा सा फेयर, मुझे ना येलो टोन और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डार्क जाता है। बट कोई नहीं, मिक्सिंग मिक्सिंग करके यार कर लेंगे, किसी को भी पता नहीं होता आपका कलर क्या है करेक्ट कलर। नेक्स्ट मुझे NYB की ये बुलेट लिपस्टिक एक सिंगल ही रिसीव हुई है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छा है कलर। मैं अप्लाई नहीं करती ऐसे, बट अब वीडियो के लिए करने पड़ते हैं हर तरह के कलर। सच बताऊँ तो मैं लिपस्टिक अप्लाई करती नहीं हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया। तो ये इस तरह का कलर है ये वाला, ये देखिए अच्छा है बहुत। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं NYB के ये छोटू मोटू से आई शेडो की तरफ। तो NYB की तरफ से मुझे रिसीव हुए हैं ये, और जिनका फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये भी मुझे चार रिसीव हुए हैं, और ये देखिए एक ये है, मैं आपको लिप्स इन लिप स्वेचेस कह रही हूँ, इनके स्वेचेस दिखाई देती हूँ एक बार। पिगमेंटेशन देख ली, ओह शिट माय गॉड, मुझे ये वाला कलर टूटा हुआ रिसीव हुआ, ये देखिए, और सारा मेरे कपड़ों पे गिर गया है, भूल ही गई थी। ये देखिए कोई नहीं, मैं इसको जोड़ लूँगी, बट अभी आप पहले देखिए इसका थोड़ा सा उसमें मिक्स हो गया, बिकॉज मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो गए। नेक्स्ट कौन सा बचा, नेक्स्ट है पर्पल, जो मैंने अभी जिससे अपना आई मेकअप करा हुआ है, ये पर्पल वाला मैंने अभी अपने मेकअप में यूज़ करा हुआ है, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और तो नेक्स्ट मुझे चार आई शेडोज रिसीव हुए हैं, जिसमें से एक टूटा हुआ है, कोई नहीं मैं उसको जोड़ लूँगी, बट मेरे कपड़े ख़राब हो गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास यहाँ एम्स्टरडैम की लिक्विड लिपस्टिक्स, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी हैं कैसी हैं। ये मुझे एक दो तीन चार पाँच रिसीव हुई हैं, जिसमें तीन की पैकेजिंग ऐसी है, तीन की दो की पैकेजिंग ऐसी है,
तो ये भी मैंने अभी खोल के नहीं देखी है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा चला गया। तो मैं ना इसके भी लिप स्वेचेज आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ है ये NY बेक की एक लिक्विड लिपस्टिक जो कि सिंगल है, या सिंगल है, तो इसका कलर ना बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, दिखा देती। ये वाला एक्चुअली ये वाला अप्लाई करा था मैंने कलर, और ये ना मुझे थोड़ा सा मेरे लिप पर ड्राई लगा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे लिप्स ड्राई थे इसलिए हो सकता है, या फिर मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं करा था, बट मैंने अभी जो लिप क्राउन लगाई ना वो बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट है स्टे क्विकी का ये आईलाइनर, और इसकी पैकेजिंग मैंने अभी तो खोली है। यही आईलाइनर तो मैंने अभी अपने आईज पर अप्लाई करा हुआ है, और मैं ना सारी जगह ढूंढ रही थी और सामने ही पड़ा था। तो ये देखिए, ये स्टे क्विकी का जेल आईलाइनर है जिसकी टिप ऐसी है, ये देखी होगी आपने, कलर बार के में भी होती है, तो बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। इस टिप से ना बहुत इजीली आप विंग ड्रॉ करने में आपको बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जेट ब्लैक है और वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, कुछ नहीं बचा। सो ये सब था। ओ लास्ट चीज़ जो मुझे भेजी है पर्पल ने वो है स्टे क्विकी की, ये हैं नेल पेंट्स, तो इसमें भी मेरे को बहुत अच्छे कलर, और ये ना क्रोम वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये ना डबल शेडेड है, ये देखिए, और ये कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसा कलर ना मुझे कुछ आइस के लिए चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा मैं अभी ना आपको अप्लाई नहीं करके दिखा सकती बिकॉज मैंने ना एक्सटेंशन करवा रखे हैं, और इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूँगी ना तो मैं रिमूव नहीं कर पाऊँगी, बट मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि इसका कैसी पिगमेंटेशन है, कैसी लगती है लगाने के बाद, मायरा उठ गई है। सो यार ये था मेरा आज का हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और मेरी रिकमेंड पे आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये लोशंस ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इस बार ठंड बहुत तगड़ी पड़ रही है, और ये ना लोशन आपका ना बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। और लिप क्रेयॉन्स ट्राई कर सकते हैं, जो जिसका मैंने अभी शेड 3 लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है। आई शेडोज बहुत अच्छे हैं, आई लाइनर बहुत अच्छा है, हाईलाइटर बहुत अच्छा, हाईलाइटर का ग्लो देख लीजिए, और मैंने बहुत कम लगाया बिकॉज मैंने ना फेस पर हल्का सा बस मैंने कंसीलर लगाया था ब्लेंड करके, बस मेकअप कर दिया था, पाउडर नहीं लगाया था। सो यार वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करें हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यार मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।